सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको एक कार क्लीनिंग टिप बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो कार है अगर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, अगर रोड पे आपकी खड़ी रहती है, बाहर खड़ी रहती है आपके घर के, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट और डर्ट आपकी कार के ऊपर चिपक जाती है। लेकिन उसे क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज उससे स्क्रैचेस भी आपके व्हीकल पर आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा एक परफेक्ट क्लीनिंग के बारे में, और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको एक बकेट लगेंगी। सिर्फ एक बकेट वाटर में आप अपनी सारी पूरी कार डेफिनेटली अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो सारा प्रोसेस अभी आपको मैं दिखाऊंगा, सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा किस तरह से आपको क्लीन करना है। सिर्फ एक बकेट वाटर में आप अपनी पूरी कार अच्छे से, वो भी डिटेल क्लीन कर सकते हो। सारा प्रोसेस अभी आपको दिखाता हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें लगेंगी सबसे पहले बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लगेंगी फ्रेंड, एक बकेट और एक वाटर। एक बकेट आपको वाटर लगेंगी, साथ ही साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। सिर्फ आपको दोनों दो चीज़ें चाहिए, और इससे ही आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप अपनी कार बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा वाटर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बकेट वाटर में आप अपनी कार बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, और अभी मैं अपनी खुद की कार क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको मैं अपनी कार पे दिखाता हूँ कि कितनी डस्ट और डर्ट जमा है। तो जैसे कि आपको इजीली वीडियो के अंदर दिख रहा होगा कि कितनी डस्ट मेरे कार के ऊपर जमा है, क्योंकि कार मेरी बाहर खड़े रहती है इस वजह से। और जैसे कि आप रूफ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूल जो है वो जमी होती है। तो और विंडशील्ड भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो विंडशील्ड भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। लेकिन अगर आप इसे ड्राई क्लॉथ से क्लीन करते हैं तो हो सकता है आपकी कार पर स्क्रैचेस भी आ जाए, लेकिन इसके लिए अदर मेथड है जो कि मैं आपको बताता हूँ। और मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो है वेट क्लीनिंग। इसके लिए आपको एक बकेट वाटर चाहिए, और साथ ही साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए और आपकी कार जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो आपको पानी के अंदर डिप करना है और इसे रिंस कर लेना है, मीन्स अच्छे से निचोड़ लेना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो इसे निचोड़ने के बाद आप कोई भी एक पैनल पकड़ लीजिए, जैसे कि मैं बोनट पकड़ रहा हूँ। सिर्फ आपको जो भी एक पार्ट है उस पर आपको रखना है, और आपका जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसे रब करना है, और जो भी सरफेस है उसे क्लीन करना है। ऐसा क्लीन करना है कि जो भी डर्ट डस्ट है वो आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ में अट्रैक्ट हो जाए, अच्छे से आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो इस अदर एंगल में, जैसे कि मैं पूरा जो बोनट है वो इसी तरह क्लीन कर रहा हूँ। और जो भी डर्ट है या फिर डस्ट है, वो वेट क्लीनिंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो भी डर्ट डस्ट है वो आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ में आ जाएंगी, और इजीली कोई भी आपके कार पे स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जितनी भी बोनट की डर्ट और डस्ट थी वो इसमें आ गई है। अब ये आपको अदर पैनल पे नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको करना है इस माइक्रोफाइबर को क्लीन। एक पैनल जैसे हमने क्लीन किए जैसे कि बोनट, उसके बाद जो भी डर्ट और डस्ट है वो आपको वाटर से क्लीन कर लेना है, मीन्स जो भी डर्ट डस्ट है वो वाटर में अट्रैक्ट हो जाएंगी और सारी डर्ट डस्ट निकल जाएंगी, और देन अगेन आपको एक फ्रेश क्लॉथ इजीली मिल जाएगा। तो एक बार और मैं बोनट पे थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लीनिंग हो सके। तो सेम इसी तरह का मेथड आपको हर एक पार्ट पे करना है, हर एक पैनल पे करना है। जैसे कि मैंने अगर बोनट लिया तो आपको क्लॉथ को क्लीन करना है, देन अदर पार्ट पे अप्लाई करना है, देन फिर आपको क्लीन करना है, फिर अदर पार्ट पे अप्लाई करना है। ऐसा हर एक पैनल पे आपको ये अप्लाई करना है, और ये वीडियो आप पूरे चेकआउट करो आखिर मैं किस तरह से क्लीनिंग कर रहा हूँ।
फ्रेंड जैसे कि आपने देखा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सिर्फ एक बकेट आपको वाटर चाहिए और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और उससे आप अपनी जो कार है वो पूरी क्लीन कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा भी मैंने कितने अच्छे से अपनी कार को क्लीन कर लिया, आपके व्हील्स हो गए, आपके एक्सटीरियर हो गए, आप इंटीरियर भी इसी तरह के क्लीन कर सकते हो और पूरा ओवरऑल कार आपकी क्लीन हो जाएंगी और वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो इसी तरह का प्रोसेस आप अपने घर पे भी कर सकते हो या फिर अगर गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी रहती है तो वहाँ भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्लीनिंग इस प्रोसेस से होती है। सो फ्रेंड अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जल्द से आपको रिप्लाई देता हूँ और आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।